मम्मी पापा कहते थे क्लास 10 पास कर ले बेटा फिर लाइफ सेट, फिर क्लास 12 पास कर ले तो लाइफ सेट, फिर जब 12 पास किया तो बस एक बार ग्रेजुएशन कर ले फिर लाइफ सेट, ग्रेजुएशन किया तो कुछ तो और करना पड़ेगा तो सीए या सीएमए या सीएस जैसी कोई पढ़ाई कर ले तो लाइफ सेट। अब सीएमए कर लिया तो क्या हो गया लाइफ सेट, या सीए बन गए तो हो गया लाइफ सेट? ये लाइफ सेट कभी होगा कि नहीं, या फिर इसको सेट करना कैसे है, इसी को लेकर आज बात करेंगे एक बहुत ही गजब के टॉपिक पर, व्हाट आफ्टर योर प्रोफेशनल डिग्री। अगर आप सीएमए बन गए हैं तो व्हाट आफ्टर सीएमए, अगर आप सीए बन गए तो व्हाट आफ्टर सीए। डेफिनेटली तीन रास्ता तो सभी को समझ में आता है, लेकिन इस तीन रास्ते में जाए कहाँ? हमारे कैलकटा में एक बहुत फेमस क्रॉसिंग है, 7 पॉइंट क्रॉसिंग, जहाँ पे एक सेंटर पॉइंट से 7 रोड निकलते हैं। अच्छे अच्छे आदमी जो रेगुलर वहाँ से नहीं जाते आते हैं, वो एक बार वहाँ पहुँच के घूम ही जाते हैं कि यार इधर किधर जाना है। मतलब मैं भी कई बार गलती कर करके जाना कि अब मुझे यहाँ जाना है, जब भी वहाँ से गुजरना है। तो ऐसे ही इस मोड़ पे आने के बाद भी आप जितने ही पास्ट में कुछ सोचे हुए हो, यहाँ पे आके एक बार दिमाग घूम ही जाता है कि किस तरफ आखिर मुझे जाना है। अगर आप पूरे अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको पूरा वीडियो बहुत ही आराम से सुनना है और समझना और देखना है, जिससे कि आपको एक कदम आगे बढ़ने का डायरेक्शन मिल पाए। और अपने उन हर भाइयों बहनों दोस्तों के साथ शेयर करना है जो फ्यूचर में सीएमए बनने वाले या सीए बनने वाले हैं, या फिर अभी भी वो बन के भटक ही रहे हैं, राइट? तो हड़बड़ा के स्किप करके कुछ भी मत देखिए, पूरा आराम से समय लगा के देखिए, ऑलराइट? तो इन जनरल कोई भी पढ़ाई करने के बाद तीन रास्ते सबको मिलते हैं, जॉब कर लो या अपना कुछ काम कर लो जिसको प्रैक्टिस बोलते हैं, जहाँ पर तुम खुद खटोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। तीसरा बिजनेस करो, बिजनेस मतलब होता है जहाँ पर तुम खाली दिमाग चलाओ, बाकी लोगों को हायर करो, लोग काम करेंगे, तुम्हें पैसा मिलेगा, राइट? तीनों के अपने प्रोज हैं कॉन्स हैं, लेकिन मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किससे क्या आपको ध्यान रखते हुए मिलेगा, ठीक है, और कैसे उसका फायदा निकालना है। तो तीनों के बारे में जानेंगे आराम से, लेकिन पहले एक चीज बता दे भाई साहब, सीक्रेट टू हैप्पीनेस क्या है? हम ये सब कर क्यों रहे? खुश रखने के लिए अपने आप को, राइट? अगर आप में और थोड़े से परोपकार की भावना है तो आप ये सोचेंगे कि हम अपने परिवार वालों को भी खुश रखें। अब आप और आपका परिवार खुश कैसे रह सकता है? क्या ये सीएमए डिग्री के बाद खुशियां अचानक से हर रोज घर में आती रहेंगी? वो तो मोमेंटरीली एक एक्सपीरियंस था, सीएमए जिस दिन रिजल्ट निकला, खुशी देखा, बस वो खुशी आंख से आंसू के बहाने निकले, उछल के निकले, लड्डू पेड़ा बांट के निकला, निकल गया। बट वो खुशी रोज कैसे आए, है ना? जब मैं अपने इस सी एग्जाम में क्वालिफाई हुआ था ना, तो मतलब इतनी खुशी मैं आपको क्या बताऊं कि मैं थर्ड फ्लोर में अपने फ्रेंड के रूम में बैठ के रिजल्ट देख रहा था, तो मुझसे सीढ़ियाँ एक एक करके उतरी नहीं जा रही थी, मैं मतलब जंप कर रहा था, एक साथ 4 सीढ़ी, फिर 4 के बाद फिर 10 सीढ़ी, और एक बार तो मतलब ऐसा आया कि हाफ फ्लोर पूरा जंप मार दूँ, और मारने का कोशिश भी किया तो मतलब बहुत जोर का गिरता और बच गया। थर्ड फ्लोर से वो गाना गाते गाते उतर रहा था, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, ठीक। और ऐसा बोलते बोलते जब घर में आया और मम्मी को बोला कि मम्मी पास हो गए, मम्मी बोलती है तो खानो खावा है क्या, मतलब बस खाना खा रहा है क्या, इतना ही था। अब आपके ज़माने में तो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ये सब रील वील में देखने मिलता है कि आपके साथ सब मम्मी पापा सब मिलके रो रहे हैं, हमारे के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पापा कलकत्ता में नहीं थे, बाहर गए हुए थे, तो सोचा उनको फ़ोन करा जाए। फ़ोन किया तो बोला पापा पास हो गए। पूछे रैंक कितना लाया, मैं बोला रैंक वैंक नहीं आया पापा, पास हो गए। ठीक है आके बात करेंगे, बाय।
बस पापा फोन रख दिए, तो समझ ही नहीं आया पास हुए कि क्या खुशियाँ बनी नहीं बनी। ठीक, तो लगा सबको मैसेज करके बताया, उस समय फेसबुक वगैरह तो उतना यूज़ नहीं करते थे, बट मैसेज करके बताएं। तो मैसेज क्या लिखे, अब पास हो गया, तो मैंने लिखा साला मैं तो साहब बन गया, कि सूट मेरा देखो कि बूट मेरा देखो, कि आया जैसे छोरा सीए का, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी इन माई जर्नी, ऐसा करके मैसेज किया। तो कुछ लोगों की बधाइयाँ आई, तो लगा हाँ थोड़ा थोड़ा सा लगा कि पास हुआ। लेकिन ये फीलिंग क्या ना, उस दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा और एक दो दिन तक ही रहती है, उसके बाद असली दिमाग का दही होना शुरू होता है कि करना क्या है। मतलब पास होकर दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो व्हाट इज द सीक्रेट टू हैप्पीनेस? सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ अचीवमेंट एवरी डे इन योर लाइफ, दैट इज द अल्टीमेट सीक्रेट टू हैप्पीनेस। नाउ दैट वॉज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग यू स्टडी सो मच दैट यू लर्न दिस साइंस ऑफ बींग हैप्पी फॉर एवर। एंड फॉर एवर मीन्स आज डिग्री आ गया तो फॉर एवर इम्प्लाइड हो गया, नहीं, एवरी डे यू हैव टू कैरी दैट फीलिंग इन टू योर हार्ट इन टू योर माइंड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये एवरी डे आएगा कैसे? ये एवरी डे आएगा जब आप ऑफकोर्स वैसा ही जो काम अपने पढ़ने के लिए किए ना, मेहनत है ना, उससे जो रिजल्ट आया, उस मेहनत को रोज करना सीख जाए, तो लाइफ में अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा ऐसा रिजल्ट्स आता रहेगा जो आपको हैप्पी करता रहेगा, और हैप्पीनेस के लिए अपना पास्ट का ग्रोथ को ज़्यादा सोचें रादर देन फ्यूचर में क्या नहीं कर पा रहे उसको रिपेंट करके। फ्यूचर बहुत डायनेमिक है, मालूम नहीं क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, बट एवरी टाइम आप अगर ये सोचेंगे कि मेरे साथ ये नहीं हुआ अभी तक, वो नहीं मिला अभी तक, वो नहीं मिला, तो आप बहुत सैड हो जाएंगे। आपको हैप्पी होने के लिए हर समय ये देखना है कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया, मैं कितनों से आगे आ गया। जो सीएसए में बन जाते हैं, मुझे लगता है कॉमर्स की दुनिया के वो टॉप 0.1% स्टूडेंट में आते हैं, क्योंकि हर साल 1,20,00,000 कितने, 1,20,00,000 लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ दैट 1,20,00,000 20% लोग हर साल कॉमर्स से ग्रेजुएट होते हैं। तो आप समझ लीजिए 1,20,00,000 का 20% कितना हुआ, 25,00,000 अप्रॉक्स, 24,00,000 ही हुआ। तो उस 24,00,000 में हर साल सीए बनते हैं 10,000 और सीएमए बनते हैं 4,000, 2,000 मैं हाईएस्ट नंबर पकड़ के चल रहा हूँ, तो 14,000 बाई 24,00,000 अगर आप पकड़ें इंटू 100 करें तो 0.58% में आप ऑलरेडी आ रहे हो। मतलब 1.1 मैंने शायद कम बोल दिया होगा, 0.58%। ठीक है, तो आप टॉप 0.58% में आ गए ऑलरेडी, तो ये भी तो एक खुशी की बात है। अब इस खुशी को बरकरार रखने के लिए ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो मेहनत ज़रूर करते रहनी है जो पहले किए थे, तभी ये खुशी मिला था। अब ये मेहनत कम कर दोगे तो खुशी मिलना बंद हो जाएगा। अल्टीमेटली एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आज के यंगस्टर्स भूल गए, वो है कि आप यदि अपने ऊपर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें तो आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है उसको पहले पहचानने का प्रयास करें। अगर इंटरेस्ट एरिया आप पहचान जाते हैं तो आप जो भी काम करेंगे ना उसमें जो मेहनत है वो अपना 100% आप कर पाएंगे। अगर वो इंटरेस्ट एरिया पे काम नहीं करते हैं तो मेहनत आप कैलकुलेटेड करते हैं, यानी कि 9 से 6 ही करूँगा, 10 से 5 ही करूँगा। जहाँ पर ये डिफाइन कर दिया आपने टाइम, इसका मतलब वो काम आपका इंटरेस्ट एरिया का नहीं है, और वहाँ पर फिर आपको वो मेहनत करने का दिल ही नहीं करेगा, और मेहनत करने का दिल ही नहीं करेगा तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो खुशियाँ भी नहीं आएगी, सिंपल एज दैट। सो इंटरेस्ट एरिया होने से क्या होता है, इंसान मेहनत बिना घड़ी देखे
टाइमलेसनेस के साथ एफर्ट डाल पाता है। जैसे मैं आपको अपना स्टोरी बता दूं, छोटा सा, मैं जब स्टूडेंट था तो मैं अपने आप को चलाने के लिए, अपने पढ़ाई और अपने खर्चे को चलाने के लिए पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते अचानक थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि नहीं पढ़ाते हैं। तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो सुबह 6 बजे भी पढ़ा रहे हैं, रात को 9 बजे भी पढ़ा रहे हैं, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे 4 स्टूडेंट हो, चाहे 10 स्टूडेंट हो, संडे को भी पढ़ा रहे हैं, छुट्टी के दिन भी पढ़ा रहे हैं। तो क्या हुआ, रिजल्ट आने लगा, स्टूडेंट बढ़ने लगे। तो फिर जब तक कि मैं सीए बना तब तक मेरे काफ़ी अच्छे खासे स्टूडेंट का रीच बन चुका था, स्टूडेंट बेस बन चुका था। तो मैं ये सोचा कि क्यों ना मैं आगे बढ़ने के लिए अब अपना इंटरेस्ट बेस्ड काम को ही आगे बढ़ाऊँ, तो मैं पढ़ाने को ही लेकर आगे बढ़ गया। और आप नतीजा खुद देख रहे हो, आज ये जर्नी कितने साल से चलते चलते कहाँ तक पहुँच गई है। और अभी भी ऐसा लगता है कि हाँ चलो पढ़ाना है तो क्या है, तो सुबह उठ के पढ़ा लेंगे, 5 बजे उठ के पढ़ा लेंगे, रात को पढ़ा लेंगे 11 बजे तक, 12 बजे तक। काम करने में ना कोई वैसा नहीं आता है कि 9 से 6 ही करना है, अरे ऑफिस जाना है, उफ मेरा पर्सनल लाइफ, उफ मेरा ये, उफ मेरा वो, कभी नहीं आता। मतलब मज़ा आता है काम करके और कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल पाता है, बिकॉज वो इंटरेस्ट एरिया का चीज़ हो गया। तो जहाँ पे इंटरेस्ट आए वो चीज़ अगर आप करते हो तो एफर्ट 100% डलता है, मतलब इनफैक्ट आई विल से 200% 300% भी डल जाता है बाकियों के कंपैरिजन में रिलेटिवली। और उसके बाद रिजल्ट जो आता है, वो जो मज़ा देता है, वो मज़ा से हैप्पीनेस आता है। ऑलराइट, तो ये इंटरेस्ट अगर आपका एक टीचिंग में है तो टीचिंग रिलेटेड, अगर आपका कंटेंट क्रिएशन में तो आजकल तो ये भी एक नया इंटरेस्ट एरिया डेवलप हो रहा है, अगर आपका इंटरेस्ट कोई पेंटिंग, क्राफ्ट वर्क, कोई ब्यूटी, ब्यूटिशियन से रिलेटेड काम गर्ल्स के लिए, आई डोंट नो, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट कोई फ्रीलांसिंग जॉब, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, म्यूज़िक, कुकिंग, किसी में भी आता है, सिंगिंग, डांसिंग, इवेंट मैनेजमेंट, यू नो, आई डोंट नो वेयर योर इंटरेस्ट इज, बट जहाँ पे भी आता है आप उस पर थोड़ा सा डीप रिसर्च करोगे ना तो आपको एक पाथ मिल सकता है। और अगर आपको उस रिसर्च को लेकर कंफ्यूजन आता है तो आप मेरे साथ पर्सनली बुक कर सकते हैं 1-to-1 मेंटरिंग, SGC वेबसाइट पे उसका डिटेल्स मिल जाएगा। ऑफकोर्स ये चार्जेबल है, बट मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। या फिर आप SGC के एक नए वेंचर में जुड़ सकते हैं जिसका नाम है आस्क ट्री। ये काउंसलिंग करता है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट, एक जैसे पढ़ाई कर रहे उनके लिए, दूसरा जो आप जैसे बच्चे हैं, मतलब कैंडिडेट्स हैं जो उनको अब चुनना है कि हम किस एरिया में अपने आप को आगे लेकर जाएं, तो उसके लिए ये आस्ट्री हमारा एक नया वेंचर स्टार्ट हुआ है, जो बोलता है कि पेड़ से पूछो, बट वो पेड़ कुछ भी जवाब देने के पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट और फिंगरप्रिंट एनालिसिस करके रिपोर्ट जनरेट करके बताता है, जो कि 90% एक्यूरेसी से मैच भी करता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या हो सकता है। नहीं तो आपको जब तक मिलता नहीं तब तक आपके पीछे लगे रहते हैं हम लोग कि अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट एरिया जहाँ पे हैप्पीनेस छुपा हुआ वो आपको खोज के बताएं। तो ऑफकोर्स ये एक चार्जेबल सर्विस है, आप इसको यूटिलाइज करके भी पता कर सकते हैं हमारे साथ। आई होप आपको समझ में आया मैं इंटरेस्ट एरिया पे फोकस क्यों करूँ, बिकॉज उसी से खुशियाँ मिलती है। हमारी एक स्टूडेंट थी, आपको दिख जाएंगी, सीए साक्षी जैन, ठीक है, शी इज़ वन ऑफ वेरी रिनाउंड इन्फ्लुएंसर नाउ। ऑलराइट, तो साक्षी क्या था कि सीए बन गई, उसके बाद एज यूजुअल सीए के साथ जो जॉब मिला आदित्य बिरला ग्रुप में, वहाँ जॉब ज्वाइन कर ली, और उसके बाद जॉब करते करते बड़ी कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या करूँ, मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा, मेरे को एकदम अच्छा नहीं लग रहा काम करने में, मैं ऐसा लाइफ नहीं चाहती थी कि मेरे को ऐसे अपने काम के प्रति हर समय अजीब सा फीलिंग आए। तो उसने डिसीजन लिया कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगी, और वो काम को छोड़ दिया उसने, और छोड़ने के बाद शी वेंट इनटू कंटेंट क्रिएशन, एंड इंस्टाग्राम में आज उसके फॉलोअर्स मिलियंस में चले गए हैं, एंड वन ऑफ द वेरी यंगेस्ट गर्ल टू अचीव दिस बेंचमार्क। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ,
ऑफ कोर्स उसका इंटरेस्ट एरिया था ना, तो वो लगी रहती है 2400 घंटे अपने काम के पीछे नॉन स्टॉप मंडे टू संडे, तो वो पैशन उसमें आ गया। पैशन मतलब जुनून, जुनून मतलब लगातार काम करने का। तो सीए बनने के बाद वो एक नए रूट पकड़कर अपने लिए मुकाम हासिल कर रही है। तो आप भी वैसा मुकाम हासिल करोगे तभी जब आप इंटरेस्ट एरिया पकड़ोगे। अब क्या कोई इंटरेस्ट एरिया पकड़ने पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरे को इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट है, ऐसा मतलब इन दिस मेंटोरिंग और आस्ट्री काउंसलिंग समथिंग लाइक दैट, तो उस समय जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसी में जाने पड़ेंगे। तो अगर मैं सीएमए स्पेसिफिक यदि बात करूं तो आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स थ्रू दिस पढ़ाई क्रिएट बहुत आराम से होता है। अब आप जॉब में जाएंगे तो क्या क्या एरिया में जॉब कर सकते हैं। नॉर्मली अकाउंटेंट वर्ड डाला हुआ है तो अकाउंटिंग एंड कंप्लायंसेस में जाएंगे। सेकेंडली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट वर्ड डाला हुआ है तो कॉस्टिंग और बजटिंग रिलेटेड वर्क में जाएंगे। तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का रोल एक और होता है एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, जिसको हम लोग बिजनेस एनालिस्ट क्रेडिट एनालिस्ट, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट क्रेडिट एनालिस्ट MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिस्ट उस रोल में प्लेस करते हैं। तो ये वाला रोल मिलता है, फिर ऑडिट का रोल मिलता है, ऑडिट में इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट है। टैक्सेशन में कई लोग काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि कोई IPO वाला मर्चेंट बैंकिंग फर्म है तो वो लोग आपको हायर कर सकता है, ऑलराइट। या फिर आप किसी के इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रिसर्च में काम कर सकते हैं, तो वो सब के लिए भी जॉब्स अवेलेबल हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशंस में भी आपको काम मिलता है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन मतलब मान लीजिए कोई रियल इस्टेट वाले है तो उनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेशन के वर्क होते हैं, वेंडर से कनेक्ट करना, ठीक है, कस्टमर्स कनेक्ट करना, कंसल्टेंट से कनेक्ट करना, उसमें काफ़ी सारा काम होता है। और उसका भी एग्जीक्यूशन कैसे फास्ट हो जाए आपकी प्लानिंग से आपकी बुद्धि से, तो उस पर भी काम होता है। एंड ये क्या सब एंट्री रूट्स है, यहाँ से घुस गए तो फिर उसके अलग अलग जर्नी को कवर करते हुए आप उस पर्टिकुलर जर्नी से फिर टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तक, जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करता है वहाँ तक जा सकते हो। भी क्या होता था जब आप इंटर्नशिप करते थे तो आप लोग को कुछ कुछ एरिया ऑफ वर्क सिखाया जाता था, टैक्स में सिखाया जाता था, तो आपको लगता था टैक्स सिखा रहा है मेरे को ऑडिट नहीं सिखा रहा है, ऑडिट सिखाता था तो आपको लगता है मेरे को एनालिसिस नहीं सिखा रहा है, ऐसा आपके मन में रहता था। तो आप लोग कुछ लोग सबका अलग 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 सीखने गए, कुछ लोग थे जो टैक्स में इंटर्नशिप किया, कुछ लोग कोई पर्टिकुलर एरिया में इंटर्नशिप नहीं करके डिफरेंट एरियाज में इंटर्नशिप किया, ठीक है। तो एक क्या जनरल एक्सपीरियंस आपके पास आ चुका है थ्रू योर इंटर्नशिप। अब क्या आगे ना ऐसे नहीं हो सकता है कि अकाउंट्स में भी काम करेंगे, फिर कॉस्टिंग में भी करेंगे, फिर एनालिस्ट भी बनेंगे, फिर ऑडिट भी में भी जाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट में भी जाएंगे, हर एरिया में आगे ऐसे काम करोगे तो क्या होगा, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बन के रह जाओगे और फ्यूचर में करियर कभी ग्रो नहीं करेगा। तो अब आगे क्या है ना, एक रास्ता पकड़ के चलना है। हम लोग यही चीज़ इंटर्नशिप में भी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप एक ही चीज़ पकड़ के चलो ना, उसी में इंटर्नशिप करो, उसी में आगे बढ़ते चलो, लाइफ को सजाते चलो। बट यदि आपका माइंड उतना नहीं चला उस समय, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मल्टीपल चीज़ नहीं सोचना है कि साल भर बाद ये करना है तो साल बाद ये करना है, जो चीज़ पकड़ के आगे बढ़ गया वही करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं पढ़ाने आ गया तो मैं पढ़ाई रहा हूँ 17 साल हो गया, तो फिर उसमें एक्सपर्टीज हासिल हो गई ना। वैसे अब मैं आके ये सोचूं कि अब मैं पढ़ा लिया बहुत, अब मैं कोई मान लो फैक्ट्री खोल दूँ, तो ऐसे स्विचिंग इतना इजी नहीं होता है। स्विचिंग हो सकता है बट स्विचिंग कैन बी वेरी वेरी कॉस्टली। तो हम लोग स्विचिंग पे अब नहीं फोकस करते, हम लोग सोचते हैं अपने फील्ड में ही क्या बेस्ट कर सकते हैं वो खोजो। तो ऐसे ही जहाँ घुस जाओगे वही फील्ड पकड़ के फिर चलना है। अब इसमें कहीं पे इंटरेस्ट आता है क्या, ऑलरेडी कोई इंटरेस्ट एरिया है क्या? अगर
पढ़ते पढ़ते फाइनल तक की कोई रास्ता मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अब नहीं मिला इंटरेस्ट एरिया तो हो सकता है आपका इस सब एरिया में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, आपका इंटरेस्ट कोई कुकिंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इवेंट्स, डिज़ाइनिंग, उस जगह हो। तो अगर वहाँ हो तो उधर जाना है, नहीं हो तो फिर इनमें से कोई इंटरेस्ट एरिया पकड़ना पड़ेगा। बहुत बार ये इंटरेस्ट एरिया जब इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो उससे भी डेवलप होता है। इंटर्नशिप में कई बार ऐसा भी होता है कि इंटर्नशिप करके पता चलता है ये तो कभी नहीं करना है, ऐसा भी होता है, या पता चल जाता है यही करना है। ऑलराइट, तो इंटर्नशिप भी आपको कुछ आइडिया देता है कि मैं क्या पर्टिकुलर एरिया पे काम कर सकता हूँ। अब मान लो अगर आपने इंटर्नशिप के माध्यम से कुछ ऐसा स्पेशलाइज हायर नहीं किया, स्किल्स गैदर नहीं किया, ऐसा हो सकता है, तो कोई नहीं है, इनिशियल फ्यू ईयर्स आप अपना स्किल्स उस पर डेवलप कर सकते हैं। आप स्किल डेवलप करने के लिए कोई एडिशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एरियाज। सबको अकाउंटिंग एंड कंप्लायंस में जाना है तो अकाउंटिंग कंप्लायंस रिलेटेड एडिशनल कोर्सेज होते हैं, एनालिस्ट बनना है तो उसके कोर्सेज होते हैं, इन्वेस्टमेंट में जाना है तो उसके भी कोर्सेज होते हैं। क्या कोर्सेज होते हैं वो तो भैया बाद में समझ में आएगा, गूगल करो खुद, नहीं तो मेरे से मिलो तब पता चलेगा। बट मैं आपको ये समझाना चाहूँगा एडिशनल कोर्सेज होते हैं, या फिर आप एडिशनल कोर्सेज के जगह समझ लो इनिशियल जॉब जो है ना वो इंटर्नशिप जैसा ही पीरियड सोच के कर लो, कोई स्पेसिफिक कंपनीज में जाकर जहाँ पर आप को पैसा ज़्यादा ना मिले या ना भी मिले कोई बात नहीं, तो भी आप कोई पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन सीख सकते हो अगर कोर्स नहीं करना हो तो। बट अब इसके लिए माथा लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। जैसे अब किसी एक स्टूडेंट था जिसको इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में जाना था, तो वो क्या किया, माथा लगा लगा के CMA बनने के बाद HSBC का कोई एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिविज़न है, उधर अप्लाई कर करके माथा लगा लगा के मेल कर करके लिंक्डइन से HR को खोज के और डिफरेंट डिफरेंट लोगों को खोज खोज के अच्छा अच्छा मेल लिख लिखा कर अपना इंटरव्यू कॉल कर लिया, और उसके लिए बहुत सारा और भी रॉ मटेरियल जो यूट्यूब पे या इंटरनेट पे था उस सब के बारे में पढ़ा खोद खोद के, अपने आप को 2-3 महीना लेकर तैयार किया और पीछे पड़ा। वैसा CV में कुछ एडिशनल कोर्सेज वगैरह उससे जुड़ा हुआ लिख के दिखा दिया तो वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो गया, तो कुछ लोग का वैसे हो गया। कुछ लोग ऐसे भी किए कि मेरे को पता है कि HSBC में जाना है बट उसमें अप्लाई किया तो पता किया कि यहाँ पे ये सब क्राइटेरियाज है, तो क्राइटेरिया मीट करने के लिए जो जो करना है वो कुछ समय तक CMA पास करने के बाद या CA पास करने के बाद उसके पीछे मेहनत किया और फिर वहाँ अप्लाई किया और वहाँ हो गया, ऐसे भी होता है उनका, समझ में आया। तो आपको ये देखना है कि आपका किस तरफ झुकाव है और उसको फिर अचीव करने के लिए आपको किधर से, उसको अचीव करने के लिए आपको किधर से वो मिल सकता है वो आपको फाइंड आउट करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। अभी क्या है, व्हेन यू आर टेकिंग जॉब्स यू हैव टू आल्सो सिलेक्ट कि इन विच कंपनी यू वांट टू डू द जॉब। अब क्या होता है, बहुत लोग कैंपस के भरोसे बैठे रहते हैं। आपको बता रहे थे कैंपस विल हार्डली प्लेस ओनली 10% ऑफ द स्टूडेंट्स, मैक्स 10% ऑफ द स्टूडेंट्स अगर प्लेस हो गए तो आप जीत में हैं, मतलब कैंपस बहुत अच्छा हुआ है। 100% प्लेसमेंट नहीं होता है, 10% लोगों का होता है। तो कैंपस ट्राई करना चाहिए बट कैंपस के भरोसे ही नहीं बैठा रहना चाहिए, समझ गए। तो बेस्ट जॉब्स जो लगते हैं वो आउट ऑफ कैंपस ही लगते हैं ज़्यादातर, वो लाइमलाइट में नहीं आ पाते बट बेस्ट जॉब्स आउट ऑफ कैंपस ही लगते हैं। कुछ लोगों का पैशन था कि CMA करने के बाद PSU में जाएंगे, तो PSU के बहुत लिमिटेड जॉब्स ही कैंपस में आते हैं। PSU का अपना ही सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके लिए हमने पहले भी YouTube में एक वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखें। आप PSU के वेबसाइट पे जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट PSU का पहले लिस्ट बनाएंगे, उसके वेबसाइट पे जाएंगे, सबका अपना हायरिंग पैटर्न है तो उसको स्टडी करना पड़ेगा, उनका सबका अपना एग्ज़ाम्स होता है, वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा और तब आप PSU का एग्ज़ाम देकर PSU में अपने लिए जॉब पा सकते हैं। वहाँ पे कोई चॉइस नहीं होगा आपका कि आप किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करेंगे या किस शहर में काम करेंगे, और जो जहाँ अलॉटमेंट होगा वहाँ पर जाके काम करना पड़ेगा। PSU लाइफ दिखने में स्टैम्प है PSU का,
बट ये समझ लेना कि लाइफ एकदम मूविंग रहेगी, कहीं पे स्थिरता नहीं रहेगी, बिकॉज एज पर रूल्स ऑफ PSU वो लोग एवरी 3 to 5 years आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, कभी किस शहर में कभी किस शहर में, यू नेवर नो आप किस शहर से शुरू किए और किस शहर पे लाइफ में आगे होंगे। तो PSU का अपना ही कुछ फंडाज है। हाँ, एक वो फीलिंग तो ज़रूर है, मैरिज में ज़्यादा वैल्यू है कि हाँ PSU में काम करता है, लेकिन लाइफ कहाँ पे रहेगा यू नेवर नो। MNCs में जाना है तो MNCs के लिए देखिए वो लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट सिलेक्ट करते हैं, कुछ MNCs कैंपस में भी आएंगे, बट आपको डिफरेंट MNCs के HRs को उनके वेबसाइट पे जाकर स्टडी करके उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, LinkedIn में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी होगा। ठीक है, उनके HR को कोई LinkedIn में जाकर देखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा कि इवन दुबई उबई तक चले गए, जैसे हमारा एक स्टूडेंट है चिराग अग्रवाल, उसके साथ मैंने वीडियो भी बनाया था, दुबई में जाके जॉब करा। और कैसे जॉब मिला? LinkedIn के माध्यम से सर्च करते करते किसी कंपनी में अप्लाई कर दिया, फिर वहाँ पर वो कंपनी उसको दुबई भेजा तो चला गया। तो वैसी कंपनीज को खोज के LinkedIn के माध्यम से, उनके वेबसाइट के माध्यम से, या कोई आपका कोई रेफरेंसेस है कहीं पर कोई कनेक्ट है अपने LinkedIn में जाके देखो तो समझ में आता है। LinkedIn में सर्च करोगे ठीक से तो बहुत मिलेगा, माथा लगाना पड़ेगा, पेशेंटली बैठना पड़ेगा। और प्राइवेट में मतलब क्या है कि आपको अदर देन MNC क्या है ना, नॉर्मली जैसे आपको अपना प्रेफर्ड शहर में रहना है एक एग्जांपल के लिए, तो वो प्राइवेट में ही मिल सकता है। MNC और PSUs में आपका कोई प्रेफरेंस नहीं चलेगा, ठीक है, आप जस्ट कंपनी चूज कर सकते हो भले ही, है ना, बट अंदर में क्या होगा यू नेवर नो, यू विल बी पार्ट ऑफ अ बिग बिग पॉन्ड, मतलब बड़ा तालाब है उसमें आप एक छोटी सी मछली हो। बट प्राइवेट में फ़ायदा क्या है, लर्निंग का स्कोप बहुत ह्यूज होता है, लर्निंग स्कोप रहता है, ठीक है, आपको ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है, ज़्यादा पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलता है, आपके पास थोड़ा सा चॉइसेस रहता है, चॉइसेस ऑफ डिपार्टमेंट, चॉइसेस ऑफ फर्म्स, चॉइसेस ऑफ टाइप ऑफ वर्क, ठीक है, एंड समटाइम्स ऐसा स्कोप निकल के आ जाता है आफ्टर 5 years और सो दैट यू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टार्टिंग समथिंग ऑफ योर ओन, विच वेरी फ्यू विल गैदर इन केस ऑफ PSU एंड MNCs अनलेस यू आर हाईली हाईली एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, ठीक है। प्राइवेट में आपको ये टैलेंट मिल जाता है बिकॉज वहाँ पे आप बहुत जल्दी ओनर के साथ मिलके वैरायटीज ऑफ वर्क सीखते हो, तो आपको ज़्यादा ग्रो करने का मौका मिलता है और प्रेफरेंस ऑफ सिटी भी मिल जाती है आपको ना, सबसे बड़ा फ़ायदा। जैसे अगर आपको कोलकाता का कोलकाता में ही रहना है तो जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है वही ग्रैब करना पड़ेगा, है ना। तो प्राइवेट में बहुत बेनिफिट एंड स्कोप आता है। इनिशियली कई बार होता है प्राइवेट फर्म्स बहुत ज़्यादा पे नहीं करते, बट इवेंचुअली देखा गया कि प्राइवेट फर्म्स भी मैचअप कर देते हैं आपको इन वेरियस वेज। ऑलराइट, कहीं पर भी जाओगे तो आप ध्यान रखना आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखा जाएगा, तो उसमें इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस इवेल्युएट होगा ही कि आपने क्या किया है नहीं किया। कुछ कंपनी को पता है कि तेरे को मैं किस काम में डालूंगा, ठीक है, तो इंटर्नशिप में बस आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, वर्क में क्या किया उससे उसको डायरेक्ट मैच नहीं करेगा। और कुछ कुछ कंपनी को एग्जैक्टली जो काम में वो आपको डालेगी उसके हिसाब का इंटर्नशिप चाहिए होता है। तो कैंपस में नॉर्मली देखा गया है कि इंटर्नशिप में कॉन्फिडेंस और डेप्थ कितना रहा वो देखेंगे, सीरियसनेस कितना रहा, क्योंकि वो लोग कुछ भी काम में डालते हैं। बट प्राइवेट वाले जो होते हैं ना ज़्यादातर वो लोग रेलिवेंट इंटर्नशिप बहुत खोजते हैं। क्यों, मैं आपको एकदम सिंपल समझा रहा हूँ, क्योंकि PSU MNCs है ना, दे हैव रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि यार चल ना सिखा लेंगे, ऑन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं उनके, और या फिर उनको पता है कि यार हम जहाँ पे भी भेजेंगे थोड़ा बहुत काम इससे करवा लेंगे। तो ये आपका कॉन्फिडेंस और सीरियसनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट प्राइवेट वाले क्या करते हैं, बोलते हैं उतना मेरे पास ट्रेनिंग व्रेनिंग का साधन नहीं है, तुम सही इंटर्नशिप किया हुआ है तुम लोग को अच्छा पैसा भी दे देगा और तुम्हारा सारा चॉइसेस वॉइसेस को केटर कर देगा और तुमको सारा चीज़ सीखने में भी हेल्प करेगा। बट रेलिवेंट इंटर्नशिप किया हुआ हो तो उनको ज़्यादा ईजी लगता है।
एंड एट द एंड देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी तक आप थोड़ा गुमशुदा से थे, है ना, इंटरेक्शन अपने दोस्तों में करते थे, अब आप रियल वर्ल्ड में जाके इंटरेक्ट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी पर अपना बहुत काम करना है। आप कैसा दिखते हो, जैसे मेरे पास एक इंटरव्यू के लिए एक बार बच्चा आया, पूरा कान में बाली, हाथ में पूरा टैटू, है ना, और बॉडी बिल्डर टाइप का, वो जो डिस्को विस्को में टी शर्ट पहनते हैं ना, राउंड नेक टी शर्ट, राउंड नेक या वी नेक टी शर्ट, जैसे बड़ा बड़ा समझ रहे हैं सिक्स पैक दिख रहा है, और उसके बाद लॉकेट पहन के आ गया है और हेयर भी स्पाइक्ड है। मैं बोला भैया किस लिए आए हो, तो बोले सर इंटरव्यू देने। बोले ठीक है बैठो, थोड़ी देर बाद बोला आज इंटरव्यू नहीं होगा। अरे कौन बाबा ऐसे लोग से बात करने में, इंटरव्यूअर घबरा जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग किस पर्सनैलिटी को अपना पोर्ट्रे कर रहे हैं। आप अभी कैसे दिखते थे वो मैटर अभी तक नहीं करेगा, लेकिन आगे आपको कैसा दिखना है वो कॉरपोरेट गेटअप में आना पड़ेगा, तब आप जॉब के लिए रेडी हो। राइट, सूट थोड़ा एक सिला के रखो कम से कम, जब भी आप थोड़ा पैसा आ जाए तब सिला लेना। पैंट शर्ट चटक मटक नहीं चाहिए, प्लेन कलर का, प्लेन कलर मतलब लाइट कलर। बहुत सारा कॉर्पोरेट कलर्स होता है, आप वो गूगल करोगे तो समझ में आएगा, वाइट या फिर आप समझ लीजिए स्काई ब्लू, स्काई ब्लू के बाद पिंक कलर का, लैवेंडर कलर का, एकदम लाइट लाइट कलर का कुछ हम लोग नॉर्मली शर्ट पहनना पसंद करते हैं, सिंगल कलर का पैंट पहनना पसंद करते हैं जो उससे मैच हो जाए। सबसे कंफर्टेबल है ब्लू और ब्लैक। तो चलिए यहाँ तक भी आपको बताया, और आप क्या बोल रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है, किस टोन में बोल रहे हो, किस फेशियल एक्सप्रेशन से बोल रहे हो, तो ये सब पे वर्क करना है, इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे हैं जो किसी भी कंपनी में जाने के पहले उस कंपनी का पूरा रिसर्च करके बैठ जाते हैं, इवन इन कैंपस भी वो नाम देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनी आई हुई है, तो हर कंपनी का पूरा बैलेंस शीट, प्रोजेक्ट्स, प्लान ऑफ एक्शंस को स्टडी कर लेते हैं। तो एक ऐसा इंटरेक्शन वीडियो हमारे यूट्यूब में हमने डाला है जिसमें एक स्टूडेंट था, वो बता रहा था इंडियन ऑयल में उसका सिलेक्शन कैसे हुआ, कि कैंपस में हुआ क्योंकि उसको पता था कि इंडियन ऑयल मेरे को बुलाया ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले से ही वो सोच के रखा था। क्यों? क्योंकि इंडियन ऑयल के बारे में वो सब कुछ पढ़ लिया था आउट ऑफ डिफरेंट कंपनीज, तो उसको पता था इसमें बुलाया तो मेरा हो ही जाएगा, तो पढ़ता बहुत था बिफोर गेटिंग इन टू द इंटरव्यू ऑल्सो अबाउट द कंपनीज, अबाउट द प्लान ऑफ द कंपनीज, अबाउट द इंडस्ट्री। सो वो रीडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस बिफोर द इंटरव्यू अगर आप प्रिपेयर करते हो तो इट विल रियली रियली हेल्प यू द मोस्ट। खैर, ध्यान क्या रखना है जॉब वर्ल्ड में सक्सेस पाना है, तो देखा गया है कि बहुत सारे लोग बस वो 9 to 6 वाले कल्चर में कंफर्टेबल हो जाते हैं, एंड उसको इनिशियली तो एक लगता है कि हाँ मेरे को जॉब मिल गया, थोड़ा तो लाइफ सेट हुआ, बट आगे लाइफ ग्रो नहीं करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस इंटेंसिटी से आपने दिन रात एक करके पढ़ाई की है, उतना ही मेहनत यदि आप जॉब वर्ल्ड में करोगे दिन रात एक करके बिना घड़ी देखे, तो आप सक्सेस और जल्दी जॉब वर्ल्ड में ला पाओगे। तो ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर थे, तो उन्होंने जॉब में फिर टॉप किया। क्यों? क्योंकि वो जॉब में जाते थे सुबह 8 बजे भी ऑफिस बैठ जाते थे, रात को 11 बजे तक भी काम कर लेते थे, संडेज़ को भी ऑफिस में आ जाते, छुट्टी के दिन भी ऑफिस आ जाते थे। तो ये जो बैचलर लाइफ का पीरियड होता है ना, इसको पूरा पूरा यूज़ करना है। और इवन अगर बैचलर लाइफ नहीं है, आप मैरिड हैं, तो भी थोड़ा तो अपने आप को झोंकना पड़ेगा, जिससे कि कुछ समय बाद आप जब एक और लेवल पे पहुंच जाओ जहां पर आपको थोड़ा शांति लेने का मौका मिले और आप और बेटर लाइफस्टाइल अपना जी पाओ, तब आप थोड़ा सेटल होना, मतलब थोड़ा सा टाइम को कंपैक्ट कर लेना, तब तक कोई और जूनियर आपके अंडर आ जाएगा जो आपके तरह वैसा मेहनत कर रहा होगा। ध्यान रखिएगा, नेवर मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, इफ़ यू मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल योर ग्रोथ विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। सेकेंडली देखो, प्रैक्टिस वाली बात है, प्रैक्टिस इज लाइक डूइंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद को एम्प्लॉय कर लेना। तो इसमें क्या है, इट्स जस्ट एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन यू। इफ यू आर रनिंग, योर मनी विल बी रनिंग फॉर यू, अदरवाइज नथिंग विल हैपन। तो आज अगर काम नहीं किया तो आज कुछ नहीं होना है। जॉब में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि आज काम नहीं किया तो चलो साल भर का
20 से 25 लीव तो मिलेगा, तो उतना तो एडजस्टमेंट है, बट प्रैक्टिस में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, काम तुम्हारा तुमको ही करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस में जैसे अगेन इंटरेस्ट हो तभी करना है, ये इंटरेस्ट से अलाइंड नहीं है तो इधर एकदम नहीं आना है। प्रैक्टिस करने के लिए प्लेस ऑफ प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अपने होम टाउन में करें तो बेस्ट होता है, आप खोजें कहाँ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, या फिर आप कोई और सिटी में करना चाहें तो वहाँ ध्यान रखें कि कुछ कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी हो आपके, वरना इनिशियल डेज में कुछ भी काम कैसे मिलेगा। तो कॉन्टैक्ट्स कौन है, उनसे जाके मिलोगे, उनसे बातें करोगे तो आपको बताएंगे हाँ करो, यहाँ मत करो, ऐसे करो, है ना। तो थोड़ा व्यू पॉइंट्स अगेन लेना पड़ेगा और फिर अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, तो आपको समझ आएगा कि यस यहाँ पे आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनिशियल डेज में सर्वाइव करने के लिए हर तरह का काम उठा लेते हैं, जीएसटी रिटर्न ले कर लेंगे, आईटी रिटर्न कर लेंगे, अकाउंटिंग कर लेंगे, इनिशियली सभी कोई करते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि धीरे धीरे आपको अपने आप को एक एक्सपर्ट के तरह मार्केट में पोजीशन करना है, तो एक पर्टिकुलर फील्ड को लेके उसमें डेप्थ में जाना ही पड़ेगा। अब जितना शुरुआत से इस एक्सपर्टीज़ को पकड़ लोगे तो जल्दी एक्सपर्ट बन जाओगे, वरना एक्सपर्टीज़ नहीं आए बिना प्रैक्टिस में कुछ भी लंबा कमाने का स्कोप फ्यूचर में नहीं है। जनरल वाले लोग बहुत लिमिटेड कमाते और आगे जाके सैचुरेट हो जाते, थक जाते हैं। प्रैक्टिस इज ऑल्सो अबाउट कंटिन्यूस लर्निंग, हर समय अपने आप को टैक्स लॉज और जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन नियम आ रहे हैं उससे अपडेटेड रखना है। अगर वो नहीं रखोगे तो क्या होगा, आपको लोग पूछने ही नहीं आए होगी, वो आ ही रहे इसलिए कि आप सारे अपडेटेड हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेशेंस चाहिए इन केस ऑफ अर्निंग्स। हमारा एक बंधु है, लॉयर है, वो बहुत अच्छा है, मेरे को एक बार एक अपने सीनियर से सीख के बताया था कि पाँच साल, ये 4-5 साल का क्वाड्रेंट है जो प्रैक्टिस वालों के लिए एप्लीकेबल है। कि पहला 5 साल आप ध्यान रखें, ना आपको काम मिलने वाला है ढंग का, ना आपको पैसा मिलने वाला है, नो वर्क नो मनी। नेक्स्ट 5 साल आपको काम मिलेगा बट पैसा नहीं मिलेगा, मतलब मन मुताबिक पैसा नहीं मिलेगा, बस आपको लगेगा कि मैं काम तो कर रहा हूँ, चलो चला पा रहा हूँ। नेक्स्ट 5 साल वर्क भी मिलेगा, मनी भी मिलेगी, आपको मन भर के काम भी मिलेगा, मन भर के पैसा मिलेगा। और लास्ट 5 साल अगर आपका नसीब सही रहा और आप अच्छे डिसीजन मेकर रहे, तो पता चला आप काम नहीं है लेकिन मनी ही मनी आपके पास आ रहा है। तो ये सिचुएशन आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। तो ये पेशेंस का गेम क्यों है, क्योंकि ये 5 साल सबसे कड़ा होता है, आदमी यहीं गिव अप कर जाता है, ठीक है, क्योंकि काम भी नहीं मिल रहा होता और पैसा भी नहीं मिल रहा होता। काम मिल रहा होता है तो फिर भी आदमी मन लगा लेता है, ठीक है। तो ये पेशेंस का गेम इसीलिए कहा जाता है। अगेन बात यही है कि परेशान होकर कुछ भी करोगे तो कहीं पे भी सक्सेस नहीं आएगा, बट अगर दिल जान लगा कर खुशी खुशी करोगे तो ज़रूर सक्सेस आएगा। मैंने ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो धीरे 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 अपना एक एक्सपर्टीज बनाकर बहुत अच्छे पोजीशन पर सेटल हो गए, इवन इन प्रैक्टिस। ओके, CMA इन प्रैक्टिस बहुत कम लोग सुनते हैं, एफर्ट मारते हैं, बट आप एफर्ट मारोगे तो आप अपना फर्म खोल के बैठ सकते हो। आपको इंस्टीट्यूट से भी काफ़ी सारे प्रावधान मिलते हैं, आपको इंस्टीट्यूट में भी वेबसाइट में जाकर बहुत सारे मेंबर्स सेक्शन पे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप उसको पढ़ोगे लगातार, उसमें बहुत सारे इम्पैनलमेंट के भी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ दिए हुए हैं। उधर इम्पैनलमेंट भी ले लोगे तो एज अ CA भी स्टैट्यूटरी ऑडिट्स काफ़ी सारे उधर मिलते हैं, और CMA को भी काफ़ी सारे कॉस्ट ऑडिट के अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। जैसे आप लोगों को इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट में हेल्प करता है, उसी तरीके से जब आप प्रैक्टिशनर के तरह इंस्टीट्यूट के पास जाते हो तो आपको वहाँ से भी कुछ कुछ काम कभी कभी अलॉट हो सकता है। और अगेन वहाँ इंस्टीट्यूट में जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं वो सब में जाओगे, अटेंड करोगे तो और अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप मिलेगा। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी आपको काफ़ी सारा सपोर्ट देता है, तो इंस्टीट्यूट के सपोर्ट सिस्टम को यूटिलाइज़ करने के लिए उनके वेबसाइट को ध्यान से पढ़िए, उनके जो एनुअल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं वो अटेंड करिए, हो सके तो अलग अलग सिटी में जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं वो सबको अटेंड करिए, और वहाँ पे नेटवर्किंग करके कुछ और स्कोप आप अपने लिए भी जनरेट कर सकते हो। क्लियर है? हो सकता है आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में पूछेगा, मैं देखूंगा मैं रिप्लाई कर पाता हूँ कि नहीं।
बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारा नॉलेज कॉम्पैक्ट करके दूँ। और ऑफ कोर्स द लास्ट वन इज़ बिजनेस। अब बिजनेस का डेफिनेशन लोगों को क्लियर नहीं है। बिजनेस मतलब काम मैं नहीं करूँगा, मेरा टीम करेगा, ये होता है बिजनेस। जैसे मैं टीचिंग का बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, टीचिंग में मैं प्रैक्टिस जैसा काम कर रहा हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो चल रहा है। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, काम मेनली कोई और कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई पिज़्ज़ा जॉइंट है, ठीक है, तो पिज़्ज़ा जॉइंट पे अगर मैं ही पिज़्ज़ा बना रहा हूँ तो वो प्रैक्टिस जैसा हो गया, बट अगर कोई और पिज़्ज़ा बना रहा है, मैं तो बस दिमाग लगा रहा हूँ, तो फिर वो बिजनेस कहलाएगा। बिजनेस में अगेन दो होता है, स्टार्टअप होता है और ओन कैपिटल वाला बिजनेस होता है। स्टार्टअप मतलब आइडिया पे काम करो, पैसा कोई और लगाएगा। ओन कैपिटल मतलब खुद के पैसा पे खुद का आइडिया लगा के रिस्क लेके ट्राई कर रहे हैं। बिजनेस करने के पहले एक प्रॉपर बिजनेस प्लान का ज़रूरत होता है। ऐसे बिजनेस प्लान आप गूगल करोगे तो बहुत सारा चीज़ मिलेगा। उसमें विजन ऑफ बिजनेस सोचना है, क्या प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे हो वो सोचना है, सॉल्यूशन क्या होगा वो सोचना है, बजट क्या होगा, टीम क्या होगी, क्या एक्शन प्लान्स होंगे, इन सब के ऊपर सोचना है। एंड ये बिना किसी मेंटर के एकदम भी मत करना। आपको किसी भी तरह की मेंटोरिंग चाहिए तो मैंने एक नया अपना फैसिलिटी स्टार्ट किया है बच्चों के लिए, 1-to-1 मेंटोरिंग, जिसके बारे में मैंने ऊपर भी बताया कि अगर आप मेरे साथ टच में रहना चाहते हो और मेरे सुझाव से आपको कुछ लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हो तो 1-to-1 मेंटरिंग मेरे साथ लेकर आप अवेल करके आगे आ सकते हो। नहीं तो मैं तो आपको जनरल आइडिया दे ही रहा हूँ, अब आप इसके बेसिस पे खुदाई कर करके आगे बढ़ते चलो और अपने चीज़ों को ग्रोथ करते रहना। मेंटर इज़ मस्ट, ठीक है, मेंटर इज़ मस्ट। विदाउट दैट अगर आप बिजनेस में कूदोगे तो बहुत समय जल जाएगा और बहुत पैसा भी जल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिना मेंटरिंग के बिजनेस में कभी नहीं जाना, अनलेस पहले से कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, अलग बात है, बट मेंटर जरूर रखना, भले ही वो घर का कोई अपना आदमी हो, है ना, जो जानकार हो, जो नए ज़माने के हिसाब से सिस्टम्स को समझता हो, है ना। यही है बिजनेस का कहानी। तो बिजनेस में नॉर्मली क्या होता है, देखिए 1,000 में एक जन निकल के आते हैं जो बिजनेस करते हैं, 1,000 में मैं बोलूँगा 200 लोग जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली वो इधर जाते होंगे किसी तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में प्रैक्टिस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 200 भी मैं ज़्यादा बोल दिया, मुझे लगता है 1,000 में 50 लोग होते होंगे, 5% ही होते होंगे, 50 लोग होते होंगे जो इसमें जाते हैं, और हो सकता है और 5% बाद में आ जाते होंगे 2-3 साल बाद, उससे ज़्यादा नहीं आते। 1,000 में 10 ही बोलेंगे, 10%, यानी कि 100 लोग इधर आते होंगे, एक लोग इधर जाते हैं या अच्छा बिजनेस खड़ा कर पाते हैं, और बाकी सब जॉब वर्ल्ड में ही अपना जिंदगी बिता रहे होते हैं। अब जॉब वर्ल्ड में जो बाकी 90%, 900 लोग हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन की भावना बहुत में देखने को मिलती है साल 2 साल के बाद, बट वो जिंदगी काट रहे होते हैं इसलिए कि उसकी सैलरी पे लाइफ डिपेंड कर लिए, तो अनहैप्पी जैसे, बस पागलपन जैसे जिंदगी बिता रहे, यही चल रहा है, इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पा रहे, तो हर जगह कहीं ना कहीं सोच रहे फिर दूसरा कोर्स करके हैप्पी हो जाए या फिर क्या करे, दूसरा कंपनी में जाके हैप्पी हो जाए, यही सब कर रहे हैं, तो उससे मज़ा नहीं आएगा। अल्टीमेटली मज़ा तभी आएगा जब आप चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रैक्टिस हो, उसमें इंटरेस्ट लोगे तो किसी भी एक एरिया को पकड़ के आप सक्सेसफुल हो सकते हो, यही मेरा मानना है। नॉर्मली ये सब बातें मैं स्टूडेंट्स को अपने क्लासेस में काफ़ी सारे वीडियोस में बता देता हूँ, बट आज मन में आया कि अलग से वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं थोड़ा बच्चों को जानकारी देने का। आप जितना सवाल पूछोगे इस तरह के वीडियोस और बेटर बनते रहेंगे, बट सवाल ही नहीं रहेंगे तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सोल्यूशन मिला हो, है ना। मेरा तो यही कहना है कि आप अपने ज़िंदगी में एक ही गोल्डन रूल यदि मान लें जो आपको हर समय मोटिवेट करता रहेगा, तो वो गोल्डन रूल है, लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। ठीक है, योर लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। द जर्नी हैज़ सेवरल माइलस्टोन्स विच कीप्स ऑन कमिंग,
एंड देर आर मैनी मोर माइलस्टोन्स टू कम। एंड ये जर्नी तभी आसान हो सकती है जब आप ये सोचेंगे कि मैं खुश हूँ। आपने क्लास 10 का माइलस्टोन अचीव किया, फिर 12 का अचीव किया, फिर ग्रेजुएशन का अचीव किया, अब ये CSCA में अचीव किए हो, तो दीज आर वन ऑफ द फ्यू माइलस्टोन्स दैट यू हैव अचीव्ड। नाउ देर आर मैनी मोर माइलस्टोन्स टू अचीव एंड योर माइलस्टोन्स कैन नॉट बी जॉब, बिजनेस और प्रैक्टिस। दीज आर नॉट योर माइलस्टोन्स, माइलस्टोन्स आर डिफरेंट। यहाँ तक का माइलस्टोन अचीव हुआ बाय वे ऑफ योर स्टडीज, ठीक है। अब आगे का जो माइलस्टोन्स है वो अचीव होगा बाय वे ऑफ ईदर ऑफ दिस, जॉब, प्रैक्टिस या बिजनेस। अब वो माइलस्टोन्स क्या है वो अगर आप सोचोगे और उसके लिए कुछ भी हो सके वो करोगे, तो आपको लाइफ में उसी तरह का सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस मिलता रहेगा जो आपको अपना डिग्री देख के मिला था। अब इसको पाने के लिए कोई भी उठा लो, या फिर अपना कोई इंटरेस्ट बेस्ड एरिया उठा लो और जो भी करो, बट इतना शिद्दत से करो जैसे कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे थे, बस उसी शिद्दत से करो और देखो रिज़ल्ट आपके कदमों पे होगी और आपको ज़िंदगी का मज़ा मिलने लगेगा। ऑल राइट, दिस इज़ वॉट आई हैड टू से। आई होप इट वॉज़ यूजफुल एंड योर टाइम वॉज वर्थ स्पेंडिंग। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून। ऑल द बेस्ट, बी इन टच।